नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं आज 5 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट के पेपर। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। जितने भी पेपर आज हुए हैं तीनों शिफ्ट में, तो उन सभी के क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, परमाणु संख्या 14 के दाएँ और बाएँ तरफ कौन से तत्व हैं। जो परमाणु संख्या 14 है उसके दाएँ और बाएँ तरफ कौन से तत्व हैं। तो फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम और फास्फोरस इसका राइट आंसर होगा, एल्यूमिनियम और फास्फोरस। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि ओम की इकाई क्या है। जो ओम की इकाई क्या है, प्रतिरोध। इसका सही आंसर होगा, ओम की इकाई प्रतिरोध है। ठीक है, रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 30.9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पानी के 10 मोल का वजन कितना होगा। जो पानी के 10 मोल का वजन कितना होगा, इसका राइट आंसर है 180 ग्राम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बाहरी सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बाहरी जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा होता है। त्वचा हो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे आवर्त सारणी में अंतिम तत्व जो कि प्राकृतिक रूप से पाया गया है उसका नाम क्या है। तो उसका सही आंसर होगा यूरेनियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाइए। उससे ये होगा आपको फ़ायदा कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था फ्रेंड्स कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, रघुवीर दास हैं। ठीक है, इनका नाम है रघुवीर दास। ठीक है फ्रेंड्स, ये मंत्रियों के नाम भी बहुत अब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही मंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के, है ना, ये सभी नाम पूछे जा रहे हैं। तो आप भारत के साथ साथ विश्व के भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों के जो भी पड़ोसी देश हैं भारत में, तो उन सभी प्रधानमंत्री, ये सब राष्ट्रपति, ये सब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुलाम वंश की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने है तो उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं तो अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन राइट आंसर फ्रेंड्स। अगर आप जीएसटी मतलब जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है उसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में आइए, हमने एक अलग से वीडियो ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बनाई है, जिसे सभी कंपनी के सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर सभी उसमें मौजूद हैं। ठीक है ना, सभी उनको बताया गया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अलावा एक और सेल होती है, उसका नाम क्या है। तो प्लेटनेट्स, ये प्लेटनेट्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेटनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 2, 8, 7 किस परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्लोरीन का। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट आता है, खून किस तरह का ऊतक होता है। तो खून किस तरह का ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। ठीक है दोस्तों, खून जो है तो संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन किस रूप से संबंधित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है हैलोजन किस ग्रुप में संबंधित है, तो 17वें ग्रुप में से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। जो भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जगत प्रकाश नड्डा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व स्तनपान दिवस है तो वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों, आईफा 2017 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था। तो आईफा 2017 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहिद कपूर को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फीफा 17वें संस्करण का अंतिम मैच कहां पर आयोजित किया गया। जो फीफा 17वां संस्करण जो हुआ था उसका अंतिम मैच कहां पर आयोजित किया गया, उसका राइट आंसर है कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों, सत्यवीर सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो सत्यवीर सिंह जो हैं तो हॉकी से। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड, स्मार्ट इंडिया मिशन के तहत अभी हाल ही में किस शहर को स्मार्ट सिटी से सम्मानित किया गया है। तो गुजरात को। ठीक है, गुजरात इज राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो परमाणु द्रव्यमान को AMU के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो गेंडों के लिए जाना जाता है, ठीक है, उसमें गेंडा ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं, जो रामनाथ कोविंद है वो कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं, बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आता है चोल वंश का मंदिर कौन सा है, तो बृद्धेश्वर है ना, उन्होंने कई मंदिर बनवाई थी लेकिन जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बृद्धेश्वर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कि WWW यानी कि WWW के आविष्कारक वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसके आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्स ली है, ठीक है ना, टिम बर्स ने ली है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, तो वाइट फूड, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो कौन से तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, पोलेनियम के, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये रहे आज तीनों शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग GKDK अकेडमी फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद जय भारत।